रहे भट्टाचार्य को मिटाने के लिए हम आपको आगे आना पड़ेगा, हमारे आपके आगे आने के बाद ही वीडियो के बाहर सब अपनी चप्पल उतार लो और घंटी बजाकर अंदर आ जाओ। Hey, what is up everybody and welcome back to another video. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, मजाक चल रहा है, तुम लोग को ऑलरेडी पता है मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। Let's begin. तो बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी टीवी शो है जहाँ 10-20 लोग को उठा के घर में बंद कर देते हैं, फिर उन लोगों को उस घर में एक आंख, माँ कसम एक आंख ऑर्डर देता है क्या करना है। क्या हो गया इस दुनिया को? बिग बॉस चाहते हैं सारे घर वाले नागिन नाच करें। बस चाहते हैं सारे घर वाले मुर्गा नाच करें। कभी खत्म नहीं होगा। अब जब बिग बॉस शुरू हुआ था ना, तो इज्जत से 10-20 सेलिब्रिटीज और एक घर, और अब तो घर, गांव, जेल, पड़ोसी, झोपड़पट्टी सब कुछ घुसा दिया घर के अंदर इन्होंने। तो इस शो की शुरुआत 1999 में नेदरलैंड्स में हुई थी, जहाँ पे इसका नाम था बिग ब्रदर, बड़ा भाई। फिर पूरी दुनिया ने इसको कॉपी कर लिया, सबको अपने अपने देश में बिग बॉस खेलना है। अफ्रीका, अर्जेंटीना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको, बल्जेरिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, इंडोनेशिया, इसराइल, इटली, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तुम बस देश का नाम लो, वहाँ पे इसका कॉपी हो चुका है। और वहाँ कोई जाके बिग ब्रदर कॉपी नहीं बोलेगा। फिर ना इस कॉपी के धंधे में उतर आया हमारा भारत महान। ये बिग ब्रदर को बहुत लोग ने उठाया, बट सब लोग ने ना इज्जत से नाम को बिग ब्रदर रख लिया। बट इंडिया में आनंद की रिक्वायरमेंट छप्पड़ फाड़ है, ब्रदर में आनंद नहीं मिलेगा, इसीलिए नाम रख लिया बिग बॉस। क्योंकि अगर फॉरेन में आपको किसी को बुलाना हो, आप कैसे बुलाओगे? एक्सक्यूज मी ब्रदर। और इंडिया में बॉस। अब बिग बॉस इंडिया में आ तो गया, बस सिर्फ एक जगह करके इसका आनंद नहीं मिलने वाला है। और जैसे कि मैंने बताया, आनंद की रिक्वायरमेंट छप्पड़ फाड़ है भाई, इतना डिमांड है ना कि सप्लाई नहीं हो पाता, इसलिए आ गया बिग बॉस कनाडा, बिग बॉस बांग्ला, बिग बॉस तमिल, बिग बॉस तेलुगु, और सबसे बेस्ट बिग बॉस हल्ला बोल। अगला क्या आएगा? बिग बॉस हगुनका। तो अब ना बात करते हैं बिग बॉस के मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज के बारे में, जिसकी वजह से आधी देश ये शो देखती है। ना थर्कियो, प्लीज कंट्रोल योर इमोशंस, मैं सुंदर महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे वो भी एक रीजन है। बट नहीं, कंट्रोल योर इमोशंस प्लीज। बिग बॉस का मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, मतलब आज तक एक ऐसा सीजन नहीं गया जहाँ पे इन्होंने रेसलमेनिया नहीं करवा लिया हो। कभी कभी ना तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि चल क्या रहा है, क्या मैं बिग बॉस देख रहा हूँ या WWE मंडे नाइट रॉ। अब बिग बॉस और WWE बहुत सिमिलर है, दोनों में हर रोज लोग मारपीट करते हैं और एक दूसरे को हर रोज गालियां देते हैं। WWE में ब्रॉक लेसनर है और बिग बॉस में भी ब्रॉक लेसनर है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि बिग बॉस में लोटा भर मूत्र फेंक देते हैं और WWE में नहीं। मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती है? टेंशन नहीं, ये भी हो जाएगा। ब्रॉक लेसनर से बात चल रही है, बहुत जल्द ब्रॉक लेसनर भी ऐसे फेंकेगा। रेसलमेनिया 34, ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस, सुसु इन द लोटा लैडर मैच, फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम द लैडर एंड गेट द पवित्र शीतल लोटा ऑफ सुसु विंस द मैच। तो अपना एक सेकंड के लिए इस मारपीट से ब्रेक लेते हैं और बात करते हैं दी लेजेंड के बारे में। By the way, कुछ दिन पहले मैं DY पाटिल गया था फीफा का मैच देखने के लिए, वहां पे मुझे हमारे नुमान खान का पर्सनल कैफे मिला।
तो अगर आपको इस प्रकार के छोटे मोटे विजुअल चुटकुले पसंद आते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @theRoni। मैं वहाँ पे बहुत ही आनंददायक स्टोरीज डालता हूँ, आनंद के प्राप्ति की गारंटी मेरे तरफ से। तो हम बात कर रहे थे द लेजेंड के बारे में, बट नहीं, हम लोग इस लेजेंड के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं हमारे इंडियन लेजेंड के बारे में। ये भाई साहब, दोस्तों आज मैंने फिल्म देखी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 4D में। बिग बॉस के आने से पहले इन भाई साहब का काम होता है कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स का नाम रिवील करना। अब अनफॉर्चुनेटली मोस्ट नाम सही निकलते हैं, विच इज सैड, क्योंकि अब मैं इस सेक्शन में कुछ जोक नहीं मार पाऊंगा, बट हु केयर्स। ए गोटिया, तो बहुत हो गई थी लेजेंड की बातें, अब आ जाते हैं बिग बॉस पे। तो जैसे कि मैंने बताया, बिग बॉस में हर रोज एक ना एक मारपीट हो ही जाएगा। तो अब इस मारपीट का कारण क्या है? पहला, अखंड टास्क, दूसरा कांडी इंसान। अब बिग बॉस के हर सीजन में कांडी इंसान होगा ही, मतलब भाई को सिर्फ रीजन चाहिए, इसको ना एक मौका दे दो सारा कांड कर जाएगा। तो पहले एक छोटे से टास्क के बारे में बात करते हैं, दिस स्मेली टास्क। बहुत आसान है, दो बाथटब देंगे गोबर से भरे हुए, हाँ एक्चुअल गोबर, मजाक नहीं कर, उसके अंदर दो लोगों को अपने ऊपर अच्छे से गोबर स्प्रेड करना है और फिर उस बाथटब के अंदर 2 घंटों तक लेटे रहना है। हॉकी स्टिक काट रहे, ये टास्क है, क्रू में घुस के बैठना टास्क है। मतलब सोचो जो उसके अंदर घुस के बैठा होगा, सबसे पहली बात भाई उसके अंदर घुसा कैसे होगा? अरे घुस तो गया एक बार, पर घुसने के बाद 2 घंटे कैसे बैठा उसके अंदर वो, समझ रहे हो? 2 घंटे, 2 hours, 120 minutes, यहाँ सार्वजनिक शौचालय के बाहर 1 मिनट खड़ा नहीं हो जाता और ये लोग गोबर के अंदर 2 घंटों तक घुस के बैठे रहे। Calm down, Ronnie. Calm down. अब ये सब ठीक है, मतलब जैसे तैसे करके गोबर में एक बार घुस के बैठ जाएंगे, कैसे बैठेंगे वो नहीं पता, बट बैठ जाएंगे। तुम्हारे खुद के तसल्ली के लिए समझ लो शक्तिमान का आशीर्वाद उनके सर पे बरकरार है। बट उस गोबर से भरे बाथटब से निकलने के बाद कितने बार नहाना पड़ा होगा उसको? अब ना मुझे बताया कि तुम लोग मुझे पूछोगे कि भाई कुछ वीडियोस दिखा यार, वीडियोस कहाँ है? तो मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं बिग बॉस के वीडियोस को यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इनके क्लिप्स यूज किए तो ये लोग मेरी वीडियो को बना कर ले जाएंगे बिग बॉस की दुल्हनिया। आसान भाषा में तुमको पता है मेरे चैनल पे क्या आ सकता है, इसीलिए मैं आपको कुछ और वीडियो दिखाऊंगा जिससे आपको इक्वल मात्रा में आनंद की प्राप्ति होगी। ये क्या है? नहीं नहीं, मैं क्लिक नहीं करूंगा, नहीं करूंगा क्लिक, नहीं करूंगा क्लिक, नहीं मैं क्लिक नहीं करूंगा। क्लिक हो गया, चलो देख लेते ये कैसा एड है। ये ओके, ये तीसरा, ए बंद करो बाबा, जान बची आज। तो बिग बॉस इतने सालों से चल रहा है, पर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिग बॉस से शुरू हुआ कांड, बिग बॉस से शुरू हुआ मारपीट न्यूज चैनल और रस्ते पे आके उतरा है। तो चलो देखते हैं कुछ क्लिप्स। क्या कर रहे, कौन क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा कान दुख रहा है बैठे यहाँ पे बस। उठ गया, मारेगा, बच्चों ये ध्यान से सुनना, कभी भी महिलाओं पे हाथ नहीं उठाना, लेकिन आप एक लोटे में शुशु करके वो फेंक सकते हो, दैट इज ओके। मेरी क्या गलती है? अबे कौन लोटे में पेशाब करके किसी में फेंकता है यार? हो गया, अच्छी बात है, हो गया, सब खत्म हुआ। अरे फिर से उठ गया, इस बार पक्का मारेगा, इस बार पक्का। नहीं मारा, इस बार भी नहीं मारा, धोखा, हमारे साथ 2 बार धोखा हुआ। और हाथापाई शुरू हो चुका है और एक मुंह पे बचा के दिया कांड के नीचे। और ये बाबा जुड़ गए, ओ सामी जुड़ गए, क्या हो रहा है ये, कौन गिरा, कहाँ गिरा, ओए रॉयल रंबल, कौन किसको मार रहा, कुछ बता दे, सब लोग सबको मारे यार, मारो इसको, मार रहा उसको, एम लात मारा, ओहो ये लात, ये लेजेंडरी लात है भाई, इसका एक्शन रिप्ले बनता है, देखो हमारे आपके आगे आने के बाद ही
अब मैं आप सबको एक बहुत ही सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। स्वामी जी को फुटबॉलर बनना था परंतु बन नहीं पाए, इसीलिए नेशनल टीवी पे आके लोगों को लात मार रहे हैं। यही उम्मीद के साथ कि फीफा से कोई ये शो देख रहा हो और मुझे कोई टीम में ले ले। स्वाहा। आपने खुद केस करके अभी आपका क्या क्या बोल रहे हैं आप? तक खुद आपका क्या है स्वामी जी? ये आंटी जी भड़क गई है, आंटी जी भड़क गई है, आंटी जी खड़ी हो गई, आंटी जी माइक को निकाल रही है, अपने माइक को निकाल लिया है, आंटी जी माइक को बाहर निकाल रही है, आंटी जी ने माइक को बाहर निकाल कर नीचे फेंक दिया है और ये आंटी जी बढ़ते हुए ओम जी की तरफ पीठ पे टैप किया और उंगली दिखाते और एक हेडशॉट, और नहीं और एक हेडशॉट, ओह माय गॉड। अब शायद से तुम लोग ने इसमें कुछ नोटिस नहीं किया होगा बट मैं तुम लोग को दिखाना चाहूंगा। ध्यान से देखना, ये आंटी ओम जी के पास आके ऐसे टैप करके बोलती है हेलो मिस्टर और उसके बाद ध्यान से, बस ध्यान से ओम जी का रिएक्शन सुनो। और हाँ हेलो मिस्टर। तो चलो यार गाइस, आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, ये पूरा वीडियो एक मजाक है। मैं महिलाओं पे हाथ उठाने को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। इन सिंपल वर्ड्स, आई रिस्पेक्ट वैमन। So yeah guys, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो देखकर तुमको जीवन का आनंद मिला है तो नीचे जाके वीडियो को लाइक मार दो, और अगर तुम लोग मेरे चैनल पे नए हो तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसको जाकर मार दो मगर प्यास। Hey, I will see you guys next time. Once you learn, this is Ronnie and you just saw The Ronnie Show. Bye bye.